पूर्वी चंपारण जिला में एक बार फिर से सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर आपत्तिजनक स्थिति में 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी नगर के मुफस्सिल थाने इलाके के बनकट गांव में पुलिस ने ये छापेमारी की। एक निजी मकान में हुए छापेमारी के बाद सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। प्रशिक्षु DSP विनीता सिन्हा के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई, जिसमें इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। पुलिस को देव व्यापार के काले धंधे की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशिक्षु DSP के नेतृत्व में मुफस्सिल थाने और छतौनी थाना पुलिस ने टीम बनाते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ 28 के किनारे कोटवा मोड़ के समीप एक आलीशान मकान में छापेमारी की और सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने रेड के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में 2 पुरुष और 5 महिलाओं को हिरासत में लिया है। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने मकान के कमरों से कई आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया है, जो इस मकान में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का खुलासा करता है। अभी एक सूचना मिली थी, यहाँ पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए हमने एक रूटीन रेड किया है। उसमें कुछ लोगों को हम पूछताछ के लिए थाना पर लेके जा रहे हैं। आगे जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे? 5 महिलाएं और 2 पुरुष को अभी हम लोग पूछताछ के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। और कुछ आपत्तिजनक सामान अभी तक कुछ ऐसा नहीं? बियर का एक बोतल वगैरह भी मिला है क्या? ना। छापेमारी के बाद प्रशिक्षु DSP विनीता सिन्हा ने बताया कि 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि गत 17 अगस्त को पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना में NH-27 के किनारे एक आवासीय होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया था, जहाँ से पुलिस ने 18 युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। फोटो ले लीजिएगा। ना ना ना, वो दूर से हो जाएगा, वो सब मुझे हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं है, सब मुझे हो जाएगा। लोगों को क्या बताया गया? आज मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कुछ इलीगल एक्टिविटी की, जिसके आलोक में हमने एक रेड कंडक्ट किया है। उसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष को हम लोग थाना पर पूछताछ के लिए लेके आए हैं। क्या पाया गया है, क्या सत्य? अभी कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया है। अभी जो आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या आगे जो जानकारी प्राप्त होगी, उसके आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किस जगह पर शूट की है? ये बनकट के एक एरिया है, हुंडई शोरूम के पास वाली गली। लॉज था या डेरा था? नहीं, ये पर्सनल था। यहाँ ये भी हुआ भी है।